लेडीज अपने स्तन के आकार का सुडोल ना होना या स्तन के आकार के छोटे होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर उनकी फिजिक एकदम अच्छी हो और जो ब्रेस्ट साइज़ है वो सही ना हो तो उनकी पर्सनैलिटी एकदम फीकी पड़ जाती है, या जो अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल नुस्खा बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपने ब्रेस्ट के साइज़ को बहुत तेज़ी के साथ में और आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसमें यूज़ होने वाले दो इंग्रेडिएंट होंगे, पहला है वैसलीन जो कि एक मॉइस्चराइज़र होता है, दूसरा है विटामिन ई कैप्सूल। ठीक है, आप इनको मार्केट से परचेज कर ले आएँ, या आप चाहें तो मैंने नीचे इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को हमें तैयार कैसे करना है, आपको लगभग आधा चम्मच वैसलीन लेनी है और उसमें दो विटामिन ई कैप्सूल जो एवियन 400 होते हैं उनको इसमें डाल लेना है। ठीक है, दोनों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद में आपका ये जो रेमेडी है ये तैयार हो जाएगी। अब आपको वॉशरूम जाना है, वहाँ पर जाने के बाद आप अपने स्तन का यानी अपने ब्रेस्ट का अच्छी तरीके से इस मिक्सचर को अप्लाई करना है। ठीक है, आप इस मिक्सचर को मसाज करें अच्छी तरीके से, और मसाज करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ अपने ब्रेस्ट पर मसाज करें। ठीक है, ये मसाज आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक करनी है। अपने हाथ पर दोनों पर अच्छी तरीके से जो ये मिक्सर है इसको मल लें, मलने के बाद में फिर इसको आपको अपने ब्रेस्ट पर मसाज करनी है। ठीक है, आराम आराम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभार कर आपको मसाज करना है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी ब्रा वगैरह पहनकर रात को सो जाएं और नेक्स्ट डे ही आपको इसे साफ करना है। ठीक है, फिर आप नॉर्मल वाटर से नहा लें और नहाने के बाद में नेक्स्ट डे फिर आपको वही करना है। ठीक है, ये आपको रात को सोने से पहले ही ये मसाज करनी है और डेली बेसिस पर करनी है। आपको विद इन 8 डेज अपने स्तन के आकार में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, और इसका अगर आप 1 महीने तक कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो जो आप अचीवमेंट अचीव करना चाहते हैं, जो साइज़ आप अचीव करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में अगर कोई भी बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हमारे चैनल को